योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में गरमा दिया पालघर साधु हत्याकांड का मुद्दा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। महाराष्ट्र में 4 साल पहले पालघर में 2 साधुओं की हुई हत्या को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ ने वर्धा की एक रैली में इस घटना का जिक्र कर इसे चुनावी मुद्दा बना दिया, जिसके बाद शिंदे गुट के भी एक नेता ने इसे लेकर उद्धव सरकार और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। ठीक 4 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्ममता पूर्वक पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्धा की चुनावी सभा में इस हत्याकांड का जिक्र करके इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट भी सक्रिय हो गया है। मुंबई से पालघर जिले में ग्रामीणों की भीड़ द्वारा जूना अखाड़े के 2 साधुओं स्वामी कल्पवृक्ष गिरी महाराज एवं स्वामी सुशील गिरी महाराज को 16 अप्रैल 2020 को पीट पीट मार कर डाला गया। उस समय कोविड महामारी का दौर चल रहा था और राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी यानी मविया की सरकार थी। सीबीआई जांच की हुई थी मांग। उस समय भी देश भर के हिंदू संगठनों ने मविया सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तब के विपक्षी दल भाजपा एवं हिंदू संगठनों द्वारा इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस का विशेष जांच दल SIT गठित करके जांच उसे सौंप दी। SIT ने उस समय इस मामले की प्रारंभिक जांच करके कुछ गिरफ्तारियां भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। दोनों साधुओं को न्याय दिलाने के लिए उसी दौरान स्वामी सुशील गिरी महाराज की बहन सपना मिश्रा एवं उनकी वृद्ध माता मनराजी देवी ने अपने गृहनगर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में संत श्री सुशील गिरी जी महाराज धर्मोत्थान एवं मानव सेवा न्यास नामक संस्था का गठन कर महाराष्ट्र सरकार से इस घटना की CBI जांच की मांग की थी। इस संगठन द्वारा लगातार की जा रही मांग के फल स्वरूप ही 11 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र की शिंदे गुट सरकार ने पालघर साधु हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की सिफारिश कर दी थी। पिछले साल मुख्यमंत्री से शिंदे मिलने गए संत सुशील गिरी की माता मनराजी देवी को मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।